हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आपका एक बड़ी खबर का सख्त रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, चंडीगढ़ से कल सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर लाल। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू, कल सिर्फ मनोहर लाल लेंगे शपथ। थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मिलेंगे मनोहर लाल। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक बार सबकी मेहनत से मिलकर जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप सबको इस आशा पार्टी का पहले मुख्यमंत्री फिर द्वारा भारतीय जनता पार्टी को। चले हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कवायद लगातार आगे बढ़ती हुई और अब ये फाइनल हो गया कि कल ही सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर लाल, लेकिन सिर्फ अकेले ही लेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल का दिन दिवाली का दिन है और इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से आज राजभवन में कुछ ही देर बाद जाया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बात करें, कैप्टन अभिमन्यू की बात करें, रविशंकर प्रसाद की यहां पर बात करें, अनिल जैन की बात करें, इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये तमाम नेता राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा इनकी तरफ से पेश किया जाएगा। लगातार इस बात को लेकर के इंतजार किया जा रहा था, लेकिन कल रात इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया अमित शाह की तरफ से कि एक डिप्टी सीएम के साथ जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन है उसके साथ सरकार बनाई जाएगी। अब इसको लेकर के जो कवायदे हैं वो चंडीगढ़ के अंदर और भी अधिक तेज होती नजर आ रही हैं। और बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है राजभवन पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल निमंत्रण देंगे कि कब सरकार बनाने को लेकर के वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए। इस वक्त ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि कल यदि शपथ ग्रहण कल जो किया जा रहा है उसमें केवल मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। इसके बाद जो अन्य जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नाम को लेकर के मुख्यमंत्री तय करेंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह दोबारा यानी कि कल के बाद करवाया जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए जो पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, सीमा त्रिखा की बात करें या फिर अनिल विज की बात करें, इन तमाम नेताओं को कैबिनेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह दी जा सकती है, तो वहीं बलराज कुंडू, नयनपाल रावत, निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह, ये तमाम तीन ऐसे विधायक हैं जिनको कैबिनेट में जगह देने को लेकर के विचार किया जा सकता है। इसको लेकर के कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ ग्रहण किया जाएगा उसके बाद जो शुरुआत है वो मंत्रिमंडल को लेकर के की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, अगर जी कुछ ही मिनटों के बाद राजभवन पहुंचने वाले हैं तमाम नेता और सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर के जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, काफी जद्दोजहद देखने के लिए मिली थी और ये माना जा रहा था कि दिवाली से पहले ही तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन कल देर रात तक का समय इसको लेकर के बीतता हुआ नजर आया था। और फिलहाल अगर हम बात करें तो इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के जो शुरुआत है वो हो चुकी है और अब कुछ ही देर बाद राज्यपाल के समक्ष जब दावा पेश किया जाएगा ये समय भी स्पष्ट सामने आ जाएगा कि कब उनकी तरफ से निमंत्रण दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के मुख्यमंत्री को। जी जितेंद्र, इसके अलावा एक खबर डिप्टी सीएम पर सस्पेंस को लेकर भी आ रही है, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला ही ये कमान संभालेंगे, उनके नेतृत्व में ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन खबरें अब ये भी छनकर सामने आ रही है कि नैना चौटाला जो है वो डिप्टी सीएम बन सकती है, इसको लेकर संशय के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, बात की जाए जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी आज अपने विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ के अंदर करनी थी, लेकिन जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला लगातार रास्ते जीटी रोड से गुजरे हैं लगातार कार्यकर्ताओं के समर्थन के चलते, वो समय पर नहीं पहुंच पाए और उस बैठक वो बैठक नहीं हो पाई है। अब दुष्यंत चौटाला कुछ ही मिनटों पहले यूटी गेस्ट हाउस चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जिसके बाद राजभवन जाकर के जो प्रक्रिया है सरकार बनाने के दावे और समर्थन की, उस तमाम प्रक्रिया को करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कोई बैठक जननायक जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी और इस बात को लेकर के औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि डिप्टी सीएम को लेकर के ये जिम्मेदारी नैना चौटाला संभालेंगे या फिर दुष्यंत चौटाला संभालेंगे। इसके अलावा मंत्रियों का भी प्रावधान जो है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी में आया है
कि जननायक जनता पार्टी में मंत्री भी बनाए जाएंगे और इस बात को लेकर के युवा दलित का जो फॉर्मूला है उसको स्पष्ट तौर से ध्यान में रखा गया है। साथ ही महिला के तौर पर नैना चौटाला को भी यहाँ पर, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि डिप्टी सीएम को लेकर के प्रोजेक्शन की बात यहाँ पर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुश भी हैं जो लगातार इन तमाम खबरों को देख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुश, अभी क्या कोई अपडेट आ रहा है अगर बात की जाए चंडीगढ़ से, इस वक्त की जानकारी आपसे लेना चाहिए? चंडीगढ़ के बारे में यह है कि अभी थोड़ी देर में दुष्यंत चौटाला वहां पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही, या तो 3 बजे या 3 या 2:30 बजे के आसपास वहां पे मनोहर लाल वहां पे राज्यपाल के पास जाएंगे, उसके बाद उनको वहां पे जाके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह है मनोहर लाल सरकार का, और राज्यपाल की तरफ से हालांकि स्पष्ट इसको लेकर के टाइमिंग दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी है बिल्कुल आपने ठीक है। हाँ बिल्कुल यही है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ऐसा सुनने में आया कि अभी जैसे कि पीसी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि क्या नाम, सिर्फ मनोहर लाल खट्टर ही कल वो लेंगे क्या नाम शपथ लेंगे, उसके बाद बाकी जो मंत्री हैं उनका अभी कुछ टाइमिंग है, कोई डेट है कोई फिक्स नहीं किया गया है, वही अभी तक फिलहाल यही जानकारी है। तो आपने सुना कि अभी बात की जाए तो केवल मुख्यमंत्री की तरफ से ही कल जो शपथ ग्रहण है उसमें शपथ ली जाएगी, जैसा कि पहले भी आपने दर्शकों को हमने बताया था, और इसके बाद कैबिनेट में किस किस को जगह दी जाएगी, क्योंकि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि निर्दलीय विधायक और जननायक जनता पार्टी के जो विधायक है उनको भी कैबिनेट में जगह दी जानी है, और इसको लेकर के बखूबी एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। इसको लेकर के अब देखना है कि किस प्रकार की जद्दोजहद रहती है, क्योंकि ये तमाम चीजें भी काफी माथापच्ची को बढ़ाने वाले हैं, और इस कैबिनेट के तमाम नाम तय करने के बाद कोऑर्डिनेशन भी बना रहे, क्योंकि अब इससे पहले की जो मनोहर लाल सरकार 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ऐसी स्थिति में जो भी मंत्री थे जो भी कार्यशैली थी उन तमाम चीजों का अंडर कंट्रोल जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन जो है बरकरार रहेगा या फिर किसी तरीके की खींचतान जो है मंत्रालयों में हस्तक्षेप को लेकर के या फिर कामों को लेकर के होगी, ये तमाम चीजें भी आने वाले समय में काफी दिलचस्प मोड़ देते हुए नजर आएंगी। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करें तो कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल रहने वाले हैं इस बात को लेकर के कल के शपथ ग्रहण के बाद प्रक्रिया जो है वो एक बार फिर देखने के लिए मिलेगी। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को यहाँ पर साझा करने के लिए। संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही जानकारी की, कल से मनोहर लाल ही शपथ लेंगे और तमाम माथापच्ची के बाद ही पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा मंत्रियों का। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।